नमस्कार, मैं कशिश और आप देख रहे हैं वोट पर लड़ाई। सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी की समीक्षा के बाद साफ कर दिया था कि जिस थाना क्षेत्र में शराब बरामद होती है संबंधित थानेदार पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम के इस आदेश के 3 दिन बाद ही पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में शराब पार्टी का बड़ा खुलासा हुआ है। राजधानी के पौष इलाके आशियाना नगर में बेली रोड फ्लाईओवर के पिलर नंबर 68 के पास स्थित अमन होटल में शराब पार्टी का खुलासा हुआ है। इस खुलासे से शराबबंदी कानून में चल रहे खेल का खुलासा भी होते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि अमन होटल में शादी पार्टी चल रही थी। पुलिस ने 2 कमरों में रेड की थी, उसमें पानी के साथ शराब व नमकीन का भी इंतजाम था। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि 2 कमरों में कुल 10 लोगों को पकड़ा गया है। 1 कमरे से 4 व दूसरे से 6 पकड़े गए हैं। सीएम के एक्शन मोड को दिखाते हुए शराब की सूचना पर होटल में भारी पुलिस बल के 7 अफसरों की फौज जुट गई। अब मामले की जांच की जा रही है कि शराब कहां से आई थी और इसका सेवन कौन कौन लोग कर रहे थे। आपको बता दें, सचिवालय की महिला SSP भी मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पूरे मुद्दे पर क्या संज्ञान लेता है। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल वोट पर लड़ाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे करें लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।